पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सतारा विच नेम अजकल सो गाइस ये वाला है पूल एरिया यहाँ पे आई नहीं हुआ अपने से गुड मॉर्निंग दा हो गई अपनी आ देख रहे हो बहुत बढ़िया बना रखा है आईफोन 11 प्रो से कर रहा हूँ शूट ये उसमें व्लॉग एडिट हो रहा है बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बना रखी है यार वो ऊपर अपना रूम था ठीक है छोटा पूल है बट ठीक है आपको पिछू से पूरा राउंड लगवा देता हूँ रेडी तो अपन हो गए हैं बढ़िया यार ये छोटे से फ़ोन से कैसे लग रहा है ना व्लॉगिंग करके अच्छा शावर भी है ये देखो एसी की आवाज़ है अच्छा यहाँ पे कोई ब्याह शादी के लिए भी हो सकता है सिस्टम काइंड ऑफ डेस्टिनेशन रेटिंग देख रहे हो माहौल कुछ इतना था इतने ऐसी जी कुछ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फोन लगाऊं ये वाला चार्जिंग पे जरा बस चलते हैं ठीक लग रहा है रंग नहीं मैप्रो गार्डन गाइस मैप्रो गार्डन आए हुए हैं गाइस महाबलेश्वर इतनी ठंड हो रखी है ना इतने मतलब मानसून जो है पूरी धुंध पैंती है इतने खिलता है कमल यहाँ रुक रहे हैं गाइस आज यहाँ पे सामने को पार्टी फंक्शन चल रहा है मुझे लग रहा है वहीं से रुक रहे हैं
ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰਾਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਆਓ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਰਹਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਅਬ ਹਮ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਕਿਆ ਇੰਜੋਏ, ਮੈਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨੇ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜੈਕਟ ਟੋਪੀਆਂ ਮਫਲਰ ਪੈਰੋਂ ਮੈਂ ਜੁਰਾਬੇ ਹੈ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। What a lovely, what a lovely day today. Guys, जो पहाड़ा का सुकून है ना, मतलब मेरे को कोई कह देना कि पहाड़ जाना है, भाई आई एम एवर रेडी। पता नहीं यहाँ आके मतलब पहाड़ों पे मतलब फीलिंग हर जगह ही सेम है। उत्तराखंड के पहाड़ चले जाओ, कश्मीर के पहाड़ चले जाओ, जैसे यहाँ के भी आया हो, फीलिंग सेम है यार। मतलब इतना सुकून यार, इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं यार। ओहो, क्योंकि मुझे फिर कहीं निकलना है, मैं इससे पहले यार घूम तो लें। लोनावला आया था एक बारी संजोग भाई, उन्होंने के साथ मिला, उन्होंने के साथ, फिर अब दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार मतलब महाबलेश्वर भी आ गए। यही होती हैं, यही स्कीमें होती हैं भाई, तो यही सीन है गाइस। एंड थोड़ा बहुत जूस चल रहा है नाल। महाबलेश्वर की ना स्ट्रॉबेरीज बहुत मशहूर है गाइस, तो यहाँ की स्ट्रॉबेरीज और स्ट्रॉबेरीज का शेक, पता नहीं इसमें इतना मीठा डाल रखा होगा कि इतना मीठा होगा इसमें, क्योंकि शेफ ने तो चीज़ टेस्टी देनी है, शुगर इस्तेमाल करे ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे चीज़ बढ़िया चाहिए, है ना। सो गाइस, कल कैसा लगा आपको, जो घर वालों ने 3 वाइल्ड कार्ड को जो सिस्टम करा वो आप सबको कैसा लगा? मेरे को सबका तो सब कुछ ठीक लगा, ठीक है। अविनाश की डिटेन से नहीं बनी, अविनाश ने उसको फ्रेम नहीं दिया, यामिनी को ही दिया, वो साफ नजर आया। लेकिन रजत की एक दिन पहले लड़ाई थी डिटेन से, लेकिन रजत ने जाके फ्रेम क्यों डिटेन क्यों लगाया ये समझ नहीं आया। जब जब रजत को कुछ समझने की कोशिश करते हैं, नई चीज लेके कोई बाहर निकल आता है, नई चीज लेके। मुझे तो लग रहा है करण तो बौखला गया भाई, बौखला गया, इस बौखलाने के चक्कर में चलो कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही जाएगा। राशन का चक्कर, फिर खाने का चक्कर, खाने के चक्कर के अलावा कोई चक्कर ही नहीं है, यही चक्कर चल रहे हैं बस। बिग बॉस भी वैसे क्या ही जर्नी है ना, कभी कभी सोचता हूँ यार, चलो ठीक है देखते हैं, सब करते भी हैं ना, कई कई बार सोचता हूँ यार कैसे रह पाऊंगा अगर कभी गया जीवन में अंदर,
तो सोचता हूँ यार कैसे रह पाऊंगा, कैसे इतना सब्र कर पाऊंगा, सबकी हरकतें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये चीजें मुझे कभी कभी सोचने पे विवश करती हैं गाइस। चलो जो होगा जैसे होगा, भगवान जिधर ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे, उसमें क्या है, जहां ले चलेगा भगवान। देखो भगवान तकलीफों में डालता है तो हमसे पूछ के डालता है कि बेटा ये तकलीफ देने लगा हूं, इसमें से तुम बाहर निकल जाओगे खुद। भगवान को अपने बच्चे की काबिलियत पता होती है, उतनी तकलीफें उसे मिलती हैं जितनी वो झेल सकता है, उठा सकता है और कर सकता है और विद फ्लाइंग कलर्स बाहर आ सकता है। तो ऐसे भगवान का काम देने का भी तरीका है, उतना का काम देते हैं वो जितना का सामने वाला हजम कर पाए, उसको कर सके या मतलब संभाल सके। और जिसको भगवान धड़ाधड़ दे ही जा रहा है तो वो समझो कि भगवान अभी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, देके भी फिर लेके भी परीक्षा लेंगे। जीवन है ये, ना पैदा होने वक्त पता था कहाँ पैदा होंगे, ना मरने वक्त पता होगा कहाँ मरेंगे, है ना। तो बीच का भी क्या ही सोचना, अपना जो काम है उस पर ध्यान देते रहो, अपना कर्म करते रहो, सेट हो जाए, कुछ होता जाएगा सारा कुछ। यार सोचना तुम्हारा काम नहीं है, कब कैसे क्यों, वो भगवान का काम है। तुम्हारे लिए भी तो सोच सकता था जब तुम पैदा हो रहे थे, कब कहाँ और क्यों, तब तुम्हें पूछने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि तुम बोल नहीं सकते थे। पूछा तो तुमने होगा ऊपर जाके कि भगवान कहाँ भेज रहे हैं, वो बोलता होगा चुप, मुझे पता है मैं तुम्हें कहाँ भेज रहा हूँ। तो ये बस ऐसे ही भगवान की लीलाएं याद करके और अपने आप को बस बढ़िया मोटिवेट करते रहते हैं गाइस। और इस जीवन में है भी क्या, जीवन में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान सब कर गए हैं, बस हमें तो उसे फॉलो करना है, फॉलो, समझ रहे हो। तो चलो गाइस निकले यार, अब चले हो बॉम्बे। मेरे साथ एक और कांड हो गया, मैं बता नहीं सकता आपको, पंगा ही पड़ गया वो। चलो गाइस मिलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।